भगवान बुद्ध के इस महान स्थल पर बहुत बड़ा दाग लगाया गया और परसों रात की जो घटना थी वो पूरे देश के लोगों को दिल दहला देने वाली घटना थी। मीडिया के माध्यम से आंशिक रूप से लोग जान पाए और विभिन्न तरह से खबरों को दबाने की कोशिश की गई और जो घटना घटी उसमें जो पीड़ित परिवार है उनको बहुत शॉक लगा हुआ है। वह बहुत दबे दबे से जुबान में उन लोगों ने जो बताया वह दिल दहलाने वाली बातें हैं। और बिहार की सरकार जो रोज़ दावा करती है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, मतलब 15 वर्षों के लॉ एंड ऑर्डर को एब्यूज़ करने वाले ये लोग, इनके यहाँ रोज़ कोई ना कोई घटना घट रही है और घटना घट रही है, थाने में केस नहीं लिया जा रहा, लोगों को दौड़ाया जा रहा है और पीड़ित लोगों के साथ भी अत्याचार किया जा रहा है। आज हम लोग जांच, राष्ट्रीय जनता दल की जांच कमेटी आई है और यहाँ के माननीय विधायकगण श्री सुरेंद्र यादव जी, श्री कुमार सरजीत जी और जिलाध्यक्ष पटना से चलकर आई हुई आभा लता जी, जो राष्ट्रीय जनता दल की प्रदेश अध्यक्षा हैं, महिला सेल की रणविजय साहू जी, सभी लोग और यहाँ पर हमारे मांझी जी, पूर्व सांसद, जिलाध्यक्ष जी, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं और सारे लोग जो यहाँ पर राधेश्याम जी हैं, महिला अध्यक्ष हैं, सब लोग की शिवचन बाबू हैं, यादविंदु जी हैं, प्रोफेसर यादव जी, सब लोगों के प्रयास से उस परिवार को, आज उस बच्ची को आज जांच कराने के लिए यहाँ पर लाया गया। और नहीं तो सरकार का इंटेंशन था कि इन चीज़ों को समाप्त कर दिया जाए, इनको दबा दिया जाए।